इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों ये सब देखने के लिए आपको हमारा वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना होगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक अपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अपने इस वीडियो को लाइक करें, फटाफट अपने इस वीडियो को लाइक करें। और पहली बार अपने चैनल पे आए हो तो अपने चैनल के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए और पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी इस प्रकार के आने वाले वीडियो की सबसे पहले जानकारी। तो दोस्तों देरी ना करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपके मोबाइल पे इस तरीके से कोई मैसेज आया है तो आप यहाँ पे भी requirement.to.rajasthan.government.in पर क्लिक करके भी आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों जिनका एग्जाम 6/11/2020 को है तो उनका एडमिट कार्ड 1/11 को आ जाएगा, जिनका 7 को होगा उनका 2 तारीख को आ जाएगा और जिनका 8 को एग्जाम होगा उनका 3 तारीख को एडमिट कार्ड 3 नवंबर को डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना यह है, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है या फिर अपने मोबाइल पे अपने को जैसा कि आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउजर है उसको लॉग इन करना है। और आपको यहाँ पे डालना है SSO, जैसे आप SSO.rajasthan.government.in ये साइट डाल दोगे तो आपको अपनी SSO ID लॉगिन करनी है। मैं आपको बता देता हूँ इसमें, तो जैसे अपनी ये ID लॉगिन हो जाती है तो कुछ इस तरीके से अपना एक पेज ओपन होता है। तो आपको अगर आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज आता है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है एडवांस पे क्लिक करके, आप नीचे ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड टू SSO.rajasthan.government.in इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक नया इसका जो पेज है वो आ जाएगा राजस्थान SSO.rajasthan.government.in के नाम से। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करनी है अपनी SSO ID लॉगिन। तो जैसा ही ये पेज ओपन हो रहा है देखने के लिए, अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे रेड कलर सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए और पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी इस प्रकार के आने वाले वीडियो की सबसे पहले जानकारी। तो दोस्तों देरी ना करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहेगी इसी प्रकार के आने वाले वीडियो की जानकारी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे ये पेज ओपन हो जाता है तो आपको यहाँ पे अपनी SSO ID लॉगिन करनी है। जैसे मैं अपनी SSO ID डाल देता हूँ, जैसे अपन ये कैप्चा डाल के लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से अपना पेज ओपन हो जाएगा और अपने सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। और आपको ये वीडियो बिना स्किप किए शुरू से एंड तक जरूर देखना है। अगर आप स्किप करके अपने इस वीडियो को देखोगे तो आपको कुछ भी जानकारी समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए दोस्तों आप अपने इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपके सामने यहाँ पे रिक्वायरमेंट स्टेप टू यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप जो भी अपने फॉर्म भरते हो उस पेज पे पहुँच जाओगे, रिडायरेक्टली आप उस पर पहुँच जाओगे जैसा कि यहाँ पे बता रहा है प्लीज वेटिंग के लिए प्लीज रिडायरेक्ट टू रिक्वायरमेंट। पिछले वाले वीडियो में अपन ने बताया था कि कैसे अपना डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन पता कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे अपना होम डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आपका लगता है एग्जाम लगेगा वहाँ का डिस्ट्रिक्ट आप एग्जाम सेंटर पता कर सकते हो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में अपना एग्जाम सेंटर लगेगा। तो दोस्तों जैसा कि इसमें बता रहा है आपको यहाँ पे ये पेज खुल जाएगा और यहाँ पे थर्ड नंबर पे ऑप्शन आ रहा है गेट एडमिट कार्ड, यहाँ पे होम माई रिक्वायरमेंट गेट एडमिट कार्ड इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर कुछ इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाता है और आपको यहाँ पे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे बता रहा है देखो रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल 2019 कॉन्स्टेबल जनरल नॉन DSP। तो आपको यहाँ पे गेट एडमिट कार्ड का ऑप्शन आता है इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से अपना एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो अपने इस वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों की हेल्प हो सके। Ctrl+P पे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्रिंट का, तो आपको यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी प्रिंटर है वो यहाँ पे बता देगा कि किससे आप प्रिंट करना चाहते हो। तो जैसे सैमसंग है या कैनन है जो भी आपका प्रिंटर है उसको सिलेक्ट करके आप अपना प्रिंट दे सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो अपने वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को शेयर करें।